दोस्तों, आज का मनुष्य बहुत ही व्यवहारिक हो गया है। वो कुछ भी करने से पहले सारा हिसाब किताब लगा लेता है। यहाँ तक कि यदि वो भगवान का नाम भी सुमिरन करता है तो सुमिरन करने से पहले ही हिसाब लगा लेता है कि मुझे ईश्वर का नाम एक बार लेना है या 10 बार लेना है, इससे क्या क्या लाभ होंगे और भी बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बनाने वाले ने ये दुनिया बहुत ही अद्भुत ढंग से बनाई है और उससे भी अद्भुत ढंग से मनुष्यों को बनाया है। दरअसल उसने आपको व संसार को कुछ ऐसा बनाया है कि आप इसे जिस भी दृष्टिकोण से देखेंगे ये आपको वैसा ही दिखाई देगा और आपको मिलेगा भी उतना ही। कहने का अर्थ ये है कि जो आदमी गिन गिन कर माला जपता है उसे फल भी गिन गिन कर ही मिलता है, तदेव कम नपा तुला। लेकिन जो व्यक्ति अनगिनत ढंग से यानी कि बिना हिसाब किताब के भक्ति या पुण्य करता है तो फिर उसे फल भी वैसा ही मिलता है, यानी कि छप्पर फाड़ के। वैसे आज हम आपको एक चांडाल और एक ब्रह्म राक्षस की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको ईश्वर सत्य व भक्ति की शक्ति का आभास होगा। लेकिन शुरू करने से पहले, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। भक्ति काल की बात है। किसी नगर में एक चांडाल रहता था। शवों को जलाना, शमशान में रहना, मुर्दों को चढ़ाए गए भोग से अपनी भूख मिटाना उसका स्वभाव था। बिरले ही कभी वो अपने परिजनों से मिलता। वो अपना ज्यादातर समय शमशान घाट में ही बिताता था। शवों को फूकते फूकते वो भी शव के समान हो गया था। अब ना तो किसी सांसारिक आदमी से उसका कोई नाता था और ना ही उसे किसी की परवाह थी। उसका रूप अति भयानक था। देखने मात्र से ही बच्चे बुरी तरह से डर जाते थे। उसके शरीर से सदैव जले हुए शवों की गंध आती थी। स्नान किए या कपड़े बदले उसे अरसा हो गया था। शमशान घाट के नजदीक में ही एक मंदिर था। वहाँ अक्सर भक्तजन भजन कीर्तन किया करते थे। उस दिन भी वहाँ ऐसा ही कुछ चल रहा था। पता नहीं क्या हुआ, एकाएक ना जाने कैसे उस चांडाल के कानों में प्रभु के भजन के कुछ शब्द पड़ गए और दोस्तों, उस पल स्वरूप उसके मन में भक्ति रस का संचार हो गया। उसे एक अजीब सी मस्ती ने घेर लिया। उसे अब खुद की सुध नहीं रही। वो मंदिर की ओर चल पड़ा। उसे वहाँ देख सभी हैरान थे। वो जिसने अपने मुख से कभी ईश्वर का नाम तक नहीं लिया, वो जिसने कभी भक्ति में अपना मन नहीं लगाया, वो आज भक्ति रस में कुछ इस प्रकार से डूबा था कि अब उसे खुद की सुध ही नहीं थी। और इस प्रकार से वो दिन बीत गया। तदनंतर अगले दिन सुबह होते ही वो सबसे पहले मंदिर गया और बाहर से ही उसने भगवान के दर्शन किए। उसके बाद वो अपने काम पर गया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ वो फिर से भक्ति में लग गया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इस प्रकार से दोस्तों, देखते ही देखते वो चांडाल अब पूरी तरह से बदल गया, मानो अब उसका नया जन्म हो चुका था। भक्ति की चमक अब उसके व्यक्तित्व में साफ देखी जा सकती थी। साधु पुरुषों की संगति ने उसे अपने रंग में रंग दिया था। ना ही नहीं बल्कि अब वो भी उन भक्तों का प्रिय हो गया था। उसका भोलापन व सादगी सभी को भाने लगी थी। लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा, जैसे ही आदमी अच्छा होता है, सदमार्ग पर चलना शुरू करता है, वैसे ही उसके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। ठीक ऐसा ही कुछ उस चांडाल के साथ भी हुआ। वैसे आपको बता दें, चांडाल उसे कहते हैं जो ज्ञानी होने के बाद भी दुष्कर्म करता है। लेकिन ये दुष्कर्म सामान्य नहीं अपितु महाभयानक होते हैं। ये कर्म इतने बुरे व क्रूर होते हैं कि असुर भी ऐसे घोर कृत्य करने से डरते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो स्वयं ही चांडाल है उसे भला कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है, कोई मुसीबत उसे कैसे परेशान कर सकती है। लेकिन नहीं, नियति के खेल बड़े ही निराले होते हैं। यहाँ आपको हर शेर का एक सवा शेर देखने को मिल जाएगा। उस दिन ईश्वर की भक्ति
भक्ति में लीन वो चांडाल मंदिर की ओर जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिया। पूछने पर पता चला कि उसे एक ब्रह्म राक्षस ने जकड़ रखा था और वो उसे खाकर अपनी सुधा शांत करना चाहता था। वैसे जो जानते नहीं उन्हें बता दे कि ब्रह्म राक्षस उन्हें कहते हैं जो भूत प्रेत जैसी अनगिनत नकारात्मक शक्तियों से असंख्य गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इनका ज्ञान भी उच्च स्तर का होता है। इन्हें किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं किया जा सकता। आमतौर पर जीवित मनुष्यों अथवा पशुओं को खाकर ही ये अपनी भूख मिटाते हैं। आज भी देश में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। उस दिन उस चांडाल ने उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा पाने के लिए बड़ा अनुनय विनय किया ताकि वो उसे छोड़ दे, किंतु वो नहीं माना। अंततः हताश होकर उस चांडाल ने उससे प्रार्थना की। उसने कहा, हे देव, मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ। पहले मैं मंदिर जाकर कीर्तन कर लूँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। और इस प्रकार से दोस्तों वो ब्रह्म राक्षस इस बात पर राजी हो गया। तदनंतर वो भगवान के मंदिर पहुंचा। वहां पर दीवानों की टोली पहले से ही कीर्तन कर रही थी, अतः वो भी अपने स्थान पर बैठ भगवान के विग्रह के समक्ष कीर्तन करने लगा। फिर जब जाने का समय आया तो उसने अपने एक मित्र से कहा, मित्र, आज हमारी अंतिम भेंट है। मैं आज तुमसे अंतिम बार मिल रहा हूँ। अब जल्दी ही मैं संसार से विदा लेने वाला हूँ। चांडाल के मुख से ऐसे वचन सुनकर वो मित्र चिंतित हो उठा। उसने पूछा, मित्र, भला तुम पर ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। इस पर उसने उसके साथ घटा सारा घटनाक्रम बताया। तब उसके मित्र ने कहा, भाई, क्या तुम पागल हो गए हो जो उस राक्षस से किए गए वादे को पूरा करने जा रहे हो। अरे जान है तो जहान है, तुम किसी भी मूल्य पर उसके पास मत जाना। लेकिन दोस्तों वो नहीं माना। उसने कहा, मित्र, जब तक मैंने भक्ति नहीं की थी तब तक मैं सत्य की शक्ति से परिचित नहीं था, किंतु जब मैं ईश्वर की शरण में आया तब मेरा सत्य से साक्षात्कार हुआ। अब मुझे आभास हुआ कि सत्य ही सब कुछ है। सत्य से बड़ा धर्म दुनिया में कोई दूजा नहीं, अतः मैं सत्य की राह पर ही चलूंगा। भले ही मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े, किंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस प्रकार से दोस्तों वो चांडाल अपने वचन का पालन करते हुए उस ब्रह्म राक्षस के पास जा पहुंचा। परंतु उसे वापस आता देख वो राक्षस भी चकित हो गया। भले ही वो ब्रह्म राक्षस था, किंतु वो भी उस चांडाल की सत्यवादिता को देख चकित था। अपने संपूर्ण जीवन काल में उसने ऐसा अद्भुत आदमी पहले कभी नहीं देखा था। वो बोला, हे मनुष्य, मैं तेरी सत्य निष्ठा से अत्यंत ही प्रभावित हूँ। तुझसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि अब तू ही मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि तू अपने पुण्य कर्मों में से केवल एक दिन का पुण्य भी मुझे दान स्वरूप दे देता है तो मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और मुझे इस नारकीय जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। इस पर दोस्तों उस भले मानुष ने ऐसा ही किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रार्थना में कितना बल होता है। जब कोई सच्चा आदमी किसी के लिए प्रार्थना करता है तो ईश्वर तुरंत ही उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ उस ब्रह्म राक्षस के साथ भी हुआ, और देखते ही देखते वो उस योनि से मुक्त हो गया। और इस प्रकार से दोस्तों भक्ति और सत्य के प्रभाव से न सिर्फ चांडाल का उद्धार हुआ अपितु उस ब्रह्म राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। तो देखा दोस्तों आपने, जो मनुष्य भक्ति भाव में डूब जाता है उस पर ईश्वर की अपार कृपा हो जाती है। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।